हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको देते हैं कुछ मूवीज़ के बारे में अपडेट्स। तो ऐसे ही वीडियोस मज़ीद देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और इसे एंड तक ज़रूर देखें, वरना आप कोई ना कोई बेहतरीन मूवी मिस कर देंगे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ मूवीज़ की डिजिटल रिलीज डेट के बारे में। हमारी आज की इस लिस्ट में टोटल 7 मूवीज़ हैं, जिनमें से 6 हॉलीवुड की और 1 बॉलीवुड की मूवी है, और सभी मूवीज़ एक से बढ़कर एक हैं, जिनमें एनिमेटेड मूवीज़ भी शामिल हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की इस लिस्ट में सबसे पहली मूवी है एक सुपर हीरो मूवी, जिसका नाम है ब्लडशॉट। इस मूवी के लीड रोल में है विन डीजल, जो कि रोल प्ले कर रहे हैं ब्लडशॉट का। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई थी, जिसमें कमाल के VFX और एक्शन सीन डाले गए हैं। आई होप कि आप भी इस मूवी के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। तो अब फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और अब इसकी डिजिटल रिलीज डेट कन्फर्म हो चुकी है। ये मूवी रिलीज होने वाली है डिजिटली 24 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी 24 मार्च को रिलीज़ होने वाली है। और जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 24 मार्च को बर्ड्स ऑफ प्रे और डोल्टर भी रिलीज़ होने वाली है, तो 24 मार्च आपके लिए बहुत ही ख़ास दिन होने वाला है, जिस दिन आपको 3 बड़ी बॉलीवुड मूवीज़ देखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगली मूवी है सोनिक द हेजहॉग। ये मूवी एक गेम पर बेस्ड है, जो कि 14 फरवरी को रिलीज़ हुई थी, और इस मूवी के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे जिम कैरी, जो कि हर बार अपनी परफॉर्मेंस से सबको लाजवाब कर देते हैं। इस मूवी की डिजिटली रिलीज डेट कंफर्म की गई है 31 मार्च की। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च को ये मूवी डिजिटली रिलीज हो जाएगी और आप इसे फुल HD में इंजॉय कर सकेंगे। इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक होने वाली है, जिसमें VFX का भी काफ़ी ख़ास ध्यान रखा गया है, और इस मूवी के भी ऑनलाइन रिलीज होने का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो इसी के साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है ऑनवर्ड। ये एक मैजिकल एडवेंचर मूवी है, जिसमें कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी खासी ऐड की गई है। दोस्तों, इस मूवी की भी डिजिटल रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है, जो कि सेट की गई है 20 मार्च की। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी 20 मार्च को फुल HD में रिलीज हो जाएगी और आप इसे आसानी से घर बैठे ऑनलाइन इंजॉय कर सकेंगे। ये मूवी भी काफ़ी बेहतरीन है, तो इस मूवी को भी आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी पर। यह मूवी भी एक एनिमेटेड मूवी है, जिसका नाम है ट्रोल्स वर्ल्ड टूर। ये मूवी सेकंड इंस्टॉलमेंट है 2016 में आई एनिमेटेड मूवी ट्रोल्स का। ये मूवी भी एक ज़बरदस्त एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। दोस्तों, इसके बारे में आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस मूवी की डिजिटल रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है, लेकिन ये मूवी अभी तक थिएटर्स पर रिलीज नहीं हुई है। वेल, इस बात का आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जिनको पता नहीं है तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। इस वायरस की वजह से दुनिया भर के तमाम थिएटर्स बंद हैं और लोग थिएटरों में मूवीज़ देखने नहीं जा रहे हैं, जिससे कंपनियों को काफ़ी लॉस हो रहा है। और इसी को देखते हुए तमाम कंपनियों ने डिसाइड किया है कि अपनी मूवी डिजिटल रिलीज कर देंगे, और वो भी जल्द से जल्द, जिससे स्टूडियो को लॉस ना आए। हाँ तो दोस्तों, ये तो हो गई थिएटर रिलीज की बात, अब हम वापस अपनी वीडियो पर आते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट मूवी का नाम है बैड बॉयज फॉर लाइफ। ये मूवी विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की मूवी सीरीज बैड बॉयज का तीसरा पार्ट है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है, और इसी को देखते हुए इस मूवी के चौथे पार्ट की भी अनाउंसमेंट की जा चुकी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस मूवी की डिजिटल रिलीज डेट के बारे में। ये मूवी डिजिटली रिलीज कर दी जाएगी 31 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी 31 मार्च को फुल HD में रिलीज हो जाएगी और आप इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से इंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट की हमारी आखिरी हॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसका नाम है द इनविजिबल मैन। ये एक ज़बरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जो आपको एंड तक मूवी देखने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, इस मूवी की भी डिजिटल रिलीज डेट कंफर्म की जा चुकी है, जो कि सेट की गई है 20 मार्च की। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी 20 मार्च को फुल HD में अवेलेबल हो जाएगी और आप इसे घर बैठे ऑनलाइन इंजॉय कर सकेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब बारी है हमारी इस लिस्ट की आखिरी मूवी की, जो कि एक बॉलीवुड मूवी है, जिसका नाम है ये साली आशिकी। ये एक ज़बरदस्त क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसको देखते हुए आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते, और इस मूवी में रोमांस भी ऐड किया गया है। इस मूवी से मेल एक्टर वर्धन पुरी ने अपने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। दोस्तों, ये बात आप शायद ही जानते होंगे कि वर्धन पुरी हमारे मोगेम्बो यानी कि अमरेश पुरी के पोते हैं। इस मूवी में उनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है।
इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर होने वाला है 27 मार्च को, उसके साथ ही ये मूवी डिजिटल रिलीज़ कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की डिजिटल रिलीज़ डेट है 27 मार्च की। तो बस दोस्तों, यहीं तक था हमारा आज का ये वीडियो। हमारी आज की इस लिस्ट में जितने भी मूवी हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल होने वाली हैं और आप इसे इंजॉय कर सकेंगे सिर्फ़ और सिर्फ $20 के आसपास में, क्योंकि ये सारी मूवीज़ थिएटर में ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई हैं और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना वायरस के चलते। इसीलिए सारे स्टूडियोज़ ने मिलकर फैसला किया कि ये सारी की सारी मूवीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दी जाएंगी, जिससे स्टूडियोज़ को भी लॉस ना हो और मूवी भी टाइम पर रिलीज़ हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।